अपनी माटी अपनी थाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर श्री राम के भव्य मंदिर की बात हो तो महंत रामचंद्र दास परमहंस जी क्यों कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और भव्य राम मंदिर बनाने के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे दी। विश्व हिंदू परिषद ने अशोक सिंघल की अगुवाई में राम मंदिर आंदोलन को धार दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनशक्ति में जोश का संचार किया, किंतु उसके भी बहुत पहले जन्मभूमि मुक्ति के लिए महंत जी ने बुगुल बजा दिया था। अयोध्या की जिस पवित्र राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर भव्य राम मंदिर की नींव डाली है, उसके लिए हजारों लाखों राम भक्तों ने बलिदान दिया है। इन्हीं राम भक्तों में से एक महंत रामचंद्र परमहंस का जन्म 1912 में बिहार के छपरा जिले के सिंगनीपुर गांव में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम चंद्रेश्वर तिवारी रखा था, किंतु संतों के प्रभाव में आकर वे अयोध्या चले आए और दिगंबर अखाड़ा से जुड़कर सन्यासी हो गए। परमहंस रामचंद्र दास के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। महंत जी ने दिगंबर अखाड़े के प्रमुख का काम 1975 में संभाला। पद संभालते ही उन्होंने कहा, मेरे जीवन की तीन अभिलाषाएं हैं, पहली राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण, दूसरी देश में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और तीसरी भारत माँ को अखंड भारत के रूप में देखना। इसके लिए मैं जीवन भर संघर्ष करता रहूंगा, मरने के बाद भी मैं मोक्ष नहीं चाहूंगा। वे राम जन्मभूमि आंदोलन से ऐसे जुड़े कि 90 वर्ष की अवस्था में 31 जुलाई 2003 को निधन के समय तक इस आंदोलन के प्रतीक बन दिगंबर अखाड़ा के प्रमुख के साथ ही श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे। आंदोलन में महंत रामचंद्र दास परमहंस की भूमिका एक महान संत होने के साथ ही जुझारू अगुवाकार की भी थी। उनकी मुंह तोड़ जवाब देने की शैली के कारण ही उन्हें कई संत प्रतिवादी भयंकर भी कहते थे। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो वे फैजाबाद हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। 22-23 दिसंबर 1949 की रात भगवान रामलला की प्रतिमा विवादित ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे अचानक प्रकट हुई तो महंत जी की भूमिका को लेकर बहस होती रही। हालांकि 23 दिसंबर 1949 को सुबह 9 बजे इस मामले में दर्ज हुई FIR में उनका नाम नहीं है। 1984 में विश्व हिंदू परिषद के संयोजन में दिल्ली में हुई पहली धर्म संसद के माध्यम से राम मंदिर निर्माण का अभियान शुरू हुआ तो महंत जी के रूप में संगठन को एक अगुआ सिपाही मिल गया। उनके कारण ही आंदोलन की धार तेज हुई और जब राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ तो वे ही उसके अध्यक्ष बनाए गए और जीवन भर इस पद पर विराजमान रहे। राम जन्मभूमि स्थल को लेकर चली लंबी मुकदमेबाजी में महंत रामचंद्र दास यदि रामलला की तरफ से पक्षकार थे तो बाबरी मस्जिद की तरफ से हाशिम अंसारी मुकदमे में विरोधी होने के बाद भी दोनों लोग एक साथ रिक्शे पर मुकदमे की तारीखों में जाते थे। उनका कहना था कि मुकदमा और आस्था अपनी जगह है,
किंतु आपसी भाईचारा और सौहार्द नहीं खत्म होना चाहिए। धार्मिक और वैचारिक मतभेद के बावजूद उनका मन भरपूर सामाजिक सामंजस्य से भरा हुआ था। आजादी के बाद जिस समय से महंत जी जन्मभूमि को मुक्त दिलाने के लिए सक्रिय हो रहे थे, गोरखपुर स्थित गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजय नाथ से भी उनकी घनिष्ठता हो चुकी थी। यह वही मठ है जिसके प्रमुख प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखनाथ पीठ के से निकटता का ही परिणाम है कि महंत रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भावुक हो गए। महंत जी आज भले ही सत्शरीर इस संसार में नहीं है, किंतु अयोध्या की पवित्र राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर, रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को उनके संघर्ष की याद दिलाता रहेगा। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।